अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। झज्जर जिले के गांव पाटोदा में स्थित जीएबी पब्लिक स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लेकर एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन कराया गया। इसी दौरान संस्थान द्वारा अभिभावक सम्मेलन भी रखा गया। इस मौके पर जीएबी शिक्षण संस्थान द्वारा मुख्य रूप से बुलाए गए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट देवेंद्र बलहारा ने अभिभावकों को सेमिनार के माध्यम से बताया कि हर एक बच्चे में एक प्रतिभा छुपी होती है और हर एक बच्चा प्रतिभा का धनी होता है। जरूरत है हमें उस प्रतिभा को तराशने की। देवेंद्र बलहारा ने बताया कि वे कई सालों से जीएवी शिक्षण संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरह से जीएवी पब्लिक स्कूल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाकर उनका मनोबल बढ़ाता है, वह एक अलग ही बात है। हम लोग का कहां जा रहे हैं का मतलब ये है कि अगर आज से 20 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे, उस दौरान की एजुकेशन को, उस दौरान की सोसाइटी को, उस दौरान के हालात को अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें फ्लैशबैक में जाकर के, तो हमें कुछ अलग तस्वीर नजर आएगी। मुझे लगता है मैंने ऐसा महसूस किया और हो सकता है आप में से अलग महसूस करते हो, मैंने ऐसा महसूस किया कि जो हालात हैं, चाहे एजुकेशन के हो, मां बाप के साथ बच्चे का रिश्ता हो, टीचर के साथ बच्चे का रिश्ता हो, वो हालात पहले से खराब हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप में से कौन ये मानता है कि हालात पहले से बेहतर हुए और खराब हुए कौन मानते हैं? आपका, देखिए, आपका सुझाव, आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हम बात को उसी नजरिए से डिस्कस करेंगे जो आप जैसा सोचते हैं। रीजन क्या है, जब हमने शुरुआत में ही ये कहा कि हम आपकी बात करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, अपनी बात करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। अपने से ज्यादा अगर आपको लगता है कि आपकी बात हो रही है तो आपका उसके अंदर पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है सिंपली कि हालात पहले से बेहतर नहीं हुए हैं, खराब हुए हैं, चाहे वो रिश्तों की बात हो, समाज के आपस के इंटरेक्शन की बात हो, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता हो, चाहे पेरेंट स्टूडेंट, तो पेरेंट चाइल्ड का रिश्ता हो, रोजगार का मामला हो, आदमी का मेंटल लेवल जो है उसमें उसकी हेल्थ या कह लीजिए उसका पीस, तो हालात खराब कौन कौन मानता है खराब हुए हैं? आज स्कॉलरशिप टेस्ट के दौरान करीब 2000 बच्चों ने अपनी प्रतिभा के अनुसार परीक्षा दी। वहीं संस्थान द्वारा आज एक लकी ड्रा का भी आयोजन कराया गया जिसमें विद्यार्थियों को मौके पर ही पारितोषिक किया गया। कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों ने जीएवी शिक्षण संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह प्रयास बहुत ही अच्छा है। स्कूल में आए हैं, बहुत अच्छा फंक्शन करा रखा है उन्होंने, जो भी हैं बहुत सारे बच्चे आए हैं, टेस्ट दिया बहुत अच्छी है। ये जो भी इंचार्ज हैं, जो भी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। इस विषय में हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बच्चों में, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इनकी लैंग्वेज का भी, पढ़ने का तरीका भी। तो इस विषय में हम बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है ये, जो भी जीएवी स्कूल इंचार्ज कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कॉलरशिप टेस्ट देखो, ये तो बहुत है, मतलब बच्चों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अभी तक मेरे हिसाब से हमारे जो लोकल में है किसी ने कराया नहीं है स्कॉलरशिप टेस्ट, ये फर्स्ट स्कूल है जिन्होंने कराया है, तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। जो भी ये बच्चों का इनाम दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो बच्चों में थोड़ा इस चीज़ का बहुत हौसला बढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट करेंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे चलेंगे। कोई किसी चीज़ में स्पोर्ट्स में भी बहुत ध्यान दे रहे हैं ये चीज़, जैसे हमारा लड़का, इन्होंने बताया कि बॉक्सिंग वगैरह में मैंने इनको किट वगैरह ला के दे रखी है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो क्या लगता है कि इस तरह के टेस्ट हैं जो और भी होते रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल होने चाहिए, बच्चों के नॉलेज, उनके भविष्य के बारे में पता लगे, थोड़ा हौसला बढ़े, बच्चे जाके स्टेज पे बोलते हैं, इनको इनाम देते हैं, जो भी होता है ना, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है। बताएंगे जो आज स्कॉलरशिप टेस्ट हुए, कंपटीशन हुए, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पता चली पेरेंट्स को भी, तो क्या लगता है कि इस तरह के प्रयास आगे भी होते रहने चाहिए? तो
स्कूल का जो तो ज्यादा नेट का ज्यादा काम कर रहे हैं, ये अपने दिमाग से सोच के काम नहीं करते, ज्यादा नेट का काम ज्यादा देखते हैं। इस पर नेट पे ज्यादा अपने आप से नहीं, खुद से नहीं करते, जो टीचर कहती है वह नेट पे ज्यादा देखते हैं, अपने खुद से दिमाग से। तो स्कूल का जो प्रयास है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्कूल का ये अच्छा माँ बापों को भी पता चला कि भाई बच्चे को कैसे उनको संभालना चाहिए, और भाई कई बातें ऐसी है जो कि भाई कैसे उनको बतानी चाहिए। आई आज एक बच्चों के लिए जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी बुलाया गया था, उसके उससे क्या प्रभाव पड़ा है? उससे बहुत सी बातें अच्छी लगी उनकी भी, और बच्चों को भी मतलब बहुत अच्छा वो है कि भाई ऐसे ही आगे ये होना भी चाहिए, जो कि भाई आगे जो बच्चे यहाँ साथ में आए हैं पेरेंट्स के, पेरेंट्स भी बच्चों को साथ बुलाए गए हैं घर से, तो मतलब बहुत अच्छा है। तो स्कॉलरशिप टेस्ट भी हुआ है बच्चों का, क्या कहना चाहेंगे? ये भी बहुत अच्छा है कि मेरे दोनों बच्चों ने दिया है टेस्ट, अब ये पता नहीं चल रही है कैसा देखे आएंगे, तो हम कैसे उनसे बताएंगे। आज जो स्कूल द्वारा प्रयास किया गया है जीएवी द्वारा कि बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी कराई है, साइकोलॉजिस्ट भी बुलाया था, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की बात की मिस्टर देवेंद्र कल्हारा, वाकई में उन्होंने एक इंटरेक्टिव सेमिनार किया, जो चीज़ें उन्होंने बताई रियल में यूनिक चीज़ें थी। दो तीन साल के बच्चे को उसके एटीट्यूड को देख के उसकी पूरी लाइफ को डिसाइड कर लेना। मैं भी खुद एक टीचर हूँ, और इवन इफ मेरे पास तो ऐसा टैलेंट आज तक नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया मुझे लगता है कि हाँ रियल में कुछ ऐसा है। हर बच्चे के लिए अलग से डील करना, बच्चा हाथ हिला रहा है तो ऐसा है, पैर हिला रहा है तो ऐसा है, वो क्या करेगा तब वो आर्टिस्ट बनेगा, एक अच्छा इनिशिएटिव है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा मैथमेटिशियन ही हो, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ाते रहें। बच्चे का अगर खाने में इंटरेस्ट है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस करके क्या, तो ओवरऑल कहा जाए तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छी बातें बताई, और मैं ये भी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की चीज़ें रेगुलरली वो कराते। वही इसी अवसर पर विद्यार्थियों ने भी अपने विचार हर न्यूज़ के साथ साझा किए और बताया कि समय समय पर ऐसे स्कॉलरशिप टेस्ट होने चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को यह पता चल सके कि वह किस स्टैंड पर खड़े हैं। Can't see about this competition because this school is a very big school and this school gives the opportunity to the students who are belonging to other side and this school is the best school which gives the opportunity to the students. तो ऐसे जो आज कंपटीशन हुआ है जो स्कॉलरशिप के लिए जो टेस्ट हुआ है, तो ऐसे टेस्ट होने चाहिए और भी? In my side they should be tested. Because this inspires the other students that we should to take part in this test. Thank you. स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है थर्ड से ट्वेल्थ क्लास तक, और हमारा भी हुआ है, हमने भी उसमें परफॉर्म किया और टेस्ट हमारा सभी का। तो बेटा जो टेस्ट हुआ, जो स्कॉलरशिप के लिए जो टेस्ट हुआ, जो कंपटीशन होता है, तो होने चाहिए ऐसे? फ़ायदा क्या मिलता है उससे? इससे फ़ायदा मिलता है हमें, अपनी को चेक करने को मिलता है कि हमारे कितना कुछ पढ़ा। थैंक यू। ऐसे टेस्ट होने चाहिए और भी स्कॉलरशिप के लिए, तो क्या क्या कहना चाहेंगे कि फ़ायदा क्या मिलता है इसे स्टूडेंट को? स्टूडेंट को मतलब पढ़ाई के प्रति जागरूक होते हैं, और उन्हें थोड़ी वो मिलती है कि वो आगे चल के ऐसे टेस्ट दे और आगे पढ़े और ऐसे आगे चल के अपने माँ बाप का नाम रोशन। वही स्कॉलरशिप टेस्ट व अभिभावक सम्मेलन के दौरान अभिभावकों को संबोधित करते हुए स्कूल डायरेक्टर प्रदीप कौशिक ने बताया कि आज उन्होंने यह आयोजन कराया है और उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बच्चों ने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है। उन्होंने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। सर बताएंगे आज जो स्कॉलरशिप टेस्ट कराया है बच्चों का, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो सबसे बड़ी बात तो यही है कि स्कॉलरशिप टेस्ट
एक सीरीज है बच्चों को उत्साहित करने की। आज हमने जो स्कॉलरशिप टेस्ट के अलावा जो इलेक्ट्रिक ड्रॉ सिस्टम रखा, इसका सिर्फ उद्देश्य यही था जो पेरेंटिंग सेमिनार के माध्यम से बताया। जो बच्चे झज्जर वाले हैं वो नीता मैम के साथ जाएं, आपकी बस जाने वाली है, नीता मैम को रिपोर्ट करें। जो भी बच्चे झज्जर के मोटिवेशन और जो जजर्स रिपोर्ट टू नीता मैम मोटिवेट करके लोग बहुत अच्छा कर सके। तो सर साइकोलॉजिस्ट भी बुलाया था आपने, उसका क्या उद्देश्य? ड्राइवर है सभी को मेरे पास भेज दीजिए एक बार प्लीज। सेमिनार और जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट सभी ड्राइवर्स को प्लीज मेरे पास भेज दीजिए एक बार। सुखबीर जी मेरे साथ जुड़े हैं, इसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना है कि जो पैशन से प्रोफेशन वाली एजुकेशन है, जैसे हम अलग अलग तरीके के बच्चे छाटेंगे, 30 बच्चे जैसे लिंग्विस्टिक में अच्छे हैं, 30 बच्चों की काइनेस्थेटिक बहुत अच्छी है, बच्चे क्लास में 30 की में भी हो सकते हैं और 5 में भी और 8 में भी, बट उनका जो आखिरी एक घंटे की क्लास है वो टैलेंट बेस्ड एजुकेशन के नाम पे लगेगी और नो डाउट रिजल्ट देगी। तो सर 5 साल से आपके साथ जुड़े हैं, तो कितने बच्चे आपने चूज किए हैं जो अपने आप को अबाउ कर पाए हैं? देखो, आपने जानवी का नाम सुना होगा, दुनिया उसे वंडरजल के नाम से जानती है, मेरी स्टूडेंट रही है 2017 में, 12 साल की उम्र में उस लड़की ने 12वीं करी है, वो भी नतीजा है पेरेंटिंग का जो उसके पिता की है। कोई भी बच्चा खड़ा नजर नहीं है, अब जल्दी से बैठिए इस तरीके से तैयार करा जाए करा सके, बहुत कमाल कर रही है ये पूरी। एवरीबॉडी सिट डाउन, एवरीबॉडी सिट डाउन बेटा, कि हम ऐसे बच्चे अपने नेक्स्ट टाइम जब आपके लेकिन तब भी मैं आपको ऐसी 100 लड़कियां मिलाऊंगा जो पेरेंटिंग और इस टैलेंट बेस्ड एजुकेशन की वजह से। अभिभावक भी आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को? अभिभावकों को तो झुक के नमस्ते करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा कि पिछले 6 सालों से इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास जुड़े हैं, दूसरे ही साल में हमें 1000+ बच्चे दे दिए थे इलाके के सभी गाँव में, तो सबसे पहले तो उन सबको सादर अभिवादन है, नमस्कार है, तो हमें विश्वास जताते हैं हमने भी इस कसर को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। पिछले कुछ सालों से लगातार टॉप रिजल्ट दे रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक्स के हों, चाहे स्पोर्ट्स के हों, सुखबीर जी जहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं प्लीज जितने भी कंडक्टर और ड्राइवर हैं उनको स्टेज के पास भेज दीजिए जिससे कि उनका पालन करा सके। हरियाणा का और झज्जर जी का स्कूल है जीएवी पब्लिक स्कूल, इसी तरीके से जीएवी डिग्री कॉलेज की एक लड़की परसों एमडीयू को टॉप कर गई। शायद स्कूल और कॉलेज इसीलिए खोले जाते हैं कि आप अलग अलग तरीके के टैलेंट को निखार सको, नंबरों की दौड़ से बाहर आके कुछ ऐसा कर सकें कि बच्चा अपने जीवन को सफल बनाए। झज्जर के पाटोदा से संजना छाबड़ा के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।